यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपका कार्य सही उत्तर चुनकर प्रेषित पर क्लिक करना है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने फल विषय पर निम्न संभावित विषय वस्तु की पहचान की है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इनमें से कौन सी विषय वस्तु उचित होगी, इसका चयन करें। उस क्षेत्र में उपलब्ध फलों की पहचान और उनके नाम जानना, चयनित फलों की आकृति, आकार, स्वाद और रंग पर चर्चा, चयनित फलों में से किन फलों को छिलके के साथ खा सकते हैं और किन को नहीं खा सकते हैं, इस पर चर्चा करना, फलों से बन सकने वाली खाने पीने की चीजें जैसे जूस, कस्टर्ड, आइसक्रीम, शेक, चयनित फल देश के किन भागों में आम तौर पर उगाए जाते हैं, 1 से ज्यादा विकल्प सही हो सकते हैं। शुरू के 4 ऑप्शन पे क्लिक करके प्रेषित करें पे क्लिक कर देंगे। चरण 5, जांच करें कि यहाँ कुछ। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सर्दी का मौसम विषय पर निम्न संभावित विषय वस्तु की पहचान की है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इनमें से कौन सी विषय वस्तु उचित होगी, इसका चयन करें। सर्दी के मौसम में हमें कैसा महसूस होता है? सर्दी के मौसम में हम कौन से खास कार्य करते हैं? सर्दी के मौसम के त्योहार। सर्दी के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? सर्दी का मौसम कितने समय के लिए रहता है? सर्दी के मौसम की सब्जियां एवं फल। 1 से ज्यादा विकल्प सही हो सकते हैं। सर्दी के मौसम हमें कैसा महसूस होता है? सर्दी के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? सर्दी के मौसम में हमें कैसा महसूस होता है? सर्दी के मौसम में हम कौन से खास कार्य करते हैं? सर्दी के मौसम के त्योहार। सर्दी के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? सर्दी का मौसम कितने समय के लिए रहता है, इसमें टिक नहीं करना है, ये नहीं। सर्दी के मौसम की सब्जियां एवं फल, टिक कर देते हैं, नहीं। प्रेषित करें, सही जवाब। फिर अगला पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। हमने सीखा है कि विषय आधारित नियोजन में आप इस मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। आपका धन्यवाद। अब आप अगला मॉड्यूल आरंभ कर सकते हैं। जैसे कि हम एक बैक किया हमने एरो पे क्लिक करके, तो वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है हमारा डन, कंप्लीट द एक्टिविटी। हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको अब नया मॉड्यूल शुरू करना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे इसको काटना नहीं है, आपको यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू अटेम्प्ट करना है, नहीं तो आपका वो अगला वाला खुलेगा ही नहीं। अगर आप यहाँ से बैक कर देंगे तो आपको यही पहले खोलना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू अटेम्प्ट आएगा, इस बॉक्स पे टिक करके फिर एंटर कर देंगे तो हमारा अगला मॉड्यूल चालू हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है डन, कंप्लीट द एक्टिविटी। मॉड्यूल थ्री बी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है वहां पे ऐसा करने के बाद। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पहले रेस्ट्रिक्टेड लिखा था, जैसे कि यहाँ लिखा है, अब ये खुल चुका है। अब आप इस पे क्लिक करके ये एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। ये मॉड्यूल, ये है मॉड्यूल 4A। उसी तरह करना है, एंटर पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे कुछ टाइम आपको लेगा, डाउनलोड होगा उसके बाद। नमस्कार, मेरा नाम सरिता है, मैं आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्ग